दोस्तों स्वागत है आपका कैमरा कॉर्ड की एक और मस्त वीडियो में। हर बार की तरह हमारी ये वीडियो काफी अलग और मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब पर बैन यानी रोक लगाई गई है ताकि लोगों की शराब पीने की आदत है उसे छुड़ाया जा सके, लेकिन ऐसा होने के बजाय उल्टा पुलिस को आए दिन एक नई खबर सुनने को मिलती है जिसमे कुछ लोग नकली शराब को उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। और वैसा ही एक मामला 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के देवरिया इलाके में स्थित लार नगर में सामने आया। पुलिस ने फिर एक बार शराब तस्करी का खुलासा किया और लाखों की शराब बरामद की। दरअसल बात यह है कि बिहार राज्य की सीमा पर स्थित एक चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक ट्रक चेकिंग के लिए रुकाया गया। तब उस पर किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान रखे गए थे, लेकिन पुलिस वालों को ट्रक का निचला हिस्सा देखकर शक हुआ और उन्होंने ट्रक की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ट्रक की निचली और एक सीक्रेट जगह मिली जिसमें लाखों की अवैध शराब छुपाई गई थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। स्कूल जाना कुछ बच्चों को शायद पसंद नहीं होता क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता और कुछ को क्या पढ़ाया जा रहा है ये समझ नहीं आता, लेकिन पढ़ाई कितनी जरूरी है ये सबको पता है। इसी वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा में कम नंबर लाते हैं और पूरा दोष बच्चों को ही दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काफी कम टीचर्स है जो बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाते है ताकि बच्चे पढ़ पाए और पढ़ाई का आनंद भी उठा सके। लेकिन अभी आप बिहार के रोहतास जिले की देहरी इलाके में स्थित एक स्कूल की इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए नंदिनी नामक इन टीचर ने बच्चों को किस तरह सीलिंग पुलिंग का भाग पढ़ाया ये आप खुद देख लो। तो देखा आपने, बच्चों को समझ आए इसलिए टीचर ने उन्हें उन्हीं की तरह पढ़ाना शुरू किया, इसलिए उन्होंने गाने के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, जिसके बाद शायद ही कोई बच्चा होगा जो स्कूल नहीं आना चाहेगा। आपको इन टीचर का बच्चों को पढ़ाने का नया और अलग अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जहाँ भी कभी चोरी होती है वहाँ के लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाते हैं ताकि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना इलाके की ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी। हुआ यूं कि एक चोर चोरी करने के लिए किसी और के नहीं बल्कि सीधे IPS के घर में घुस गया। पहले तो नकाब पहने चोर खिड़की से चढ़कर अंदर आया और दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा न खोल पाने की वजह से चोर ने घर के अंदर जाने के बजाय पार्किंग लॉट में पार्क की गई बाइक का पेट्रोल चुराया और वहां से फरार हो गया। चले तू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे देखा जाए तो इस चोर की चोरी नाकाम हो गई, लेकिन किसी IPS ऑफिसर के घर पर चोरी का प्रयास करना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी। इससे एक बात पता चलती है, या तो इस चोर को पता नहीं कि ये IPS का घर है या फिर ये बहुत ही ज्यादा खूंखार चोर है। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। पुलिस ने CCTV के आधार पर चोर को पहचानने के लिए शुरुआत कर दी है। कानपुर के रमादेवी इलाके में से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस वालों पर कई सवाल खड़े किए हैं। अभी आप जिस युवक को शर्ट उतारे देख रहे हैं वो कोई चोर या फिर मुजरिम नहीं बल्कि पीड़ित है। ये घटना कुछ दिनों पहले यानी जनवरी 2023 की है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स रमादेवी में स्थित बाबा भोजनालय नामक एक ढाबे में रसोईया का काम करता था, जिस पर ढाबे के मालिक ने हाथ उठाया और उसको बहुत पीटा।
बस रामा देवी पे बाबा भोजनालय होटल। ऐसा जी तंदूर लगा रहे थे, जरा सा मिस्टी वाला आटा खत्म हो गया। एक तंदूर में चार मेर की रोटी लगाते हैं, और जैसे आटा वो खत्म हो गया, हमने कहा आटा लगा रहे हैं कि बिना सर ऐसे बैठो। उसने आया आया पहले तो दो तीन थप्पड़ मारा, कहता साले तंदूर के ऐसे कारीगर हो, दो तीन थप्पड़ मारा तब हम रोने लगे, रोते रोते रोटी लगा रहे हैं तो आंसू भी निकल रहे हैं। फिर हमने कहा भाई साहब इधर आना, हमने कहा अभी तो 12 बजे ड्यूटी खत्म हो गई। और इस लड़के की गलती बस इतनी सी थी कि उसने तंदूरी रोटी बनाने में देर कर दी थी। इतना ही नहीं, जब ये शख्स खुद पर हुई मारपीट की शिकायत करवाने के लिए नजदीकी थाने पहुंचा, तब पुलिस वालों ने ढाबे के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के बजाय उल्टा इस युवक को ही दोषी साबित करते हुए उस पर हाथ उठाया। अभी बताएंगे, थाने में पहली बार आये जीवन में। हमने कहा यस सर। फिर थाने के अंदर ले जा के तीन चार लोग बैठे, बैठ के बाद में कहते बैठो साले नीचे। बैठने के बाद में कहीं कान नोच रहे हैं, कोई नहीं सुने, और ये भी कह दे कहीं ऊपर मत जाना, लौट के आओगे थाने में। जिसका कहना है कि तीन चार पुलिस वालों ने इसकी पिटाई कर दी। पुलिस के पास मदद ना मिलने की वजह से ये युवक पुलिस स्टेशन से सीधे कानपुर के कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया और ढाबे के मालिक के साथ साथ पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, रावत रावत रामा देवी थाने के अंदर। थाने के अंदर दरोगा साहब ने लात मारा तो अंदर गिरे। सर तुमने क्या कहा दरोगा से पहले? हम तो कहते कैसे हो, सर सही है। कहते अब यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? हमने कहा सर जी होटल का पेमेंट लेने के लिए आए, एक बार चलो देखो। इन जैसे पुलिस वालों की ये हरकत देखकर एक ही सवाल उठता है कि पुलिस को आम जनता की सेवा के लिए रखा गया है या फिर आम जनता को परेशान करने के लिए? सोचने वाली बात है। रिश्वतखोरी की वजह से आम जनता सभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को एक जैसा मानती है, लेकिन देखा जाए तो सभी एक जैसे हो ये जरूरी नहीं, और ऐसा हमें ट्रैफिक हेड कांस्टेबल आशीष कुमार जी को देखकर पता चलता है। दरअसल बात ये है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए डीएसपी के बेटे को पकड़ा गया। अरे सर पीछे तो आ रहे हैं, गाड़ी में तो नहीं है, गाड़ी में देख लेता हूँ गाड़ी में है या नहीं। कहाँ बेटे? फादर साहब क्या नाम है फादर का? और जब इस शख्स को उसकी गलती के बारे में बताया गया तब उसने अपने पिता जो कि डीएसपी है उनका आई कार्ड इस ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को दिखाया ताकि वो बच सके, लेकिन इसी के साथ ये शख्स कांस्टेबल के साथ बदतमीजी से भी बात करने लगा। क्या नाम है बेटे? अच्छा हमको सिखा रिया है नाम का? औलाद बदवा दूंगा अभी दूसरे का आई कार्ड यूज करने में, नाम का क्या करोगे? अभी पर्चा भरवा दूंगा। हंस रहा है, देखो दोस्तों एक तो फर्जी काम कर रहा है ऊपर से हंस रहा है, नाम का क्या करोगे? कोऑपरेट करेगा छोड़ूंगा, नहीं तो अंदर दूंगा। जब कांस्टेबल ने इस शख्स पर कार्रवाई करना शुरू किया तब उसने अपने पिताजी जोगिंदर सिंह को कॉल किया जो कि डीएसपी की रैंक में तैनात है। हैंड ब्रेकर के बात करवाओ। हेलो सर नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? जोगिंदर देसवाल डीएसपी जेल वाजपेयी। सर मैं आशीष हेड कांस्टेबल सिंगम बोल रहा हूँ। सर आप अपना आई कार्ड ऐसे यूज करने के लिए बच्चों को देते हो, क्या आपको पता नहीं जिस जेल के आप सुपरिटेंडेंट हो उसके कैदी भी हो सकते हो ऐसा काम करने से? लेकिन इसके बाद कांस्टेबल ने डीएसपी की अच्छी खासी क्लास लगा दी और आखिर में इन लड़कों से माफी मंगवाई। बताओ गलती मानते हो? नहीं करते सर आगे से। दोबारा ऐसी गलती मत करना, जिस जेल के सुपरिटेंडेंट है उसके कैदी बनने में टाइम नहीं लगता। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। आप अरे हो छोटू कैसा हंसता है तू? छोटू ये है अभी तुम क्या कहोगे? ऐसे नहीं जाने दूंगा। शर्मा मत, जरूर यूज करो। पेपर क्लियर करके अपना लेंगे। देखो इतने तो जमा है आज आज के। बिहार के अरवल जिले में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तब वहां आए एसपी साहब ने ऐसा कुछ किया जिस कारण वे फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल बात यह कि गणतंत्र दिवस पर गांधी जी की तस्वीर पर हार पहनाया जा रहा था, तब एसपी साहब अपने जूते उतार कर हार पहनकर वापस लौटे, और वापस आने के बाद जब वे अपने जूते ठीक से नहीं पहन पा रहे थे तब बगल में खड़े एक जूनियर ऑफिसर ने उन्हें जूते पहनाने में मदद की। ऐसा होते वक्त एसपी साहब ने ऑफिसर को रोकने के बजाय अपने जूतों की लेस उसी ऑफिसर से बंधवाई। इतना ही नहीं, जब एसपी साहब प्रखल कार्यालय परिसर में गए थे तब वहां भी उन्होंने इस ऑफिसर के हाथों जूते पहने और लेस बंधवाई। किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक वर्दीधारी ऑफिसर अपने ही सीनियर को जूते पहना रहा है जो कि वर्दी का सीधे सीधे अपमान है। आपको क्या लगता है एसपी साहब ने जो किया वो सही था या फिर गलत? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।